यहाँ पर देख सकते हो बैरिकेड दिया गया है, यहाँ को क्रॉस करके आपको अंदर जाना पड़ेगा टू एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल पूजा पंडाल। जस्ट देखिए, इस साल थीम एकदम अलग सा थीम माहौल यहाँ पर किया गया है। मैं थोड़ा थोड़ा करके अंदर जाने को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। काकू बिक्री हो खूब एक एकदम हो ना लॉस तो एकदम बुरा लॉस माने खुबी लॉस भैया। सेल हो रहा है? कुछ सेल नहीं हो रहा ना, तो स्टॉल का भाड़ा तो मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल है भाई। कोलकाता में दुर्गा पूजा वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल है, और घूमते घूमते अभी मैं आ चुका हूँ दमदम पार्क तरुण संघ पूजा मंडप के सामने। पर दमदम पार्क तरुण संघ में जैसे बिग ग्रैंड दुर्गा पूजा हर साल होता है दोस्तों, इस साल ऐसा ग्रैंड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है आप लोगों को तो पता ही है, क्योंकि कोरोना के लिए। सो आपको थोड़ा सा सीन सामने का दिखाता हूँ, लेट मी शो यू। दिस इज द मेन एंट्री ऑफ दैट पूजा मंडप। ओके, ये एकदम लेक टाउन के पास ही है, दमदम पार्क तरुण संघ एकदम यहाँ पर एक लेक है, लेक के ठीक पास है ये जगह। আমাদের যারা ভলান্টিয়ার্স আছেন যা যা বলছেন প্লিজ ফলো করুন, পুলিশ আছেন। দোস্তো यहां पर देख सकते हो सामने से ही बैरिकेड दे चुका है यहां पर যা যা, क्योंकि अंदर जाना अलाउ नहीं है। मंडप दर्शन करूं विद द स्पेशल परमिशन, सिर्फ व्लॉग शूट करने के लिए आई गॉट द परमिशन। सो थोड़ा सा आपको अंदर से भी इस ग्रैंड पूजा का, फेमस पूजा का आपको सेलिब्रेशन दिखाता हूँ। देखो आपको थीम दिखाते हैं। कितने साल का हुआ है पूजा स्थल? अभी 35 साल का हुआ है। 35 साल, बहुत पुराना पूजा है। बट एक्चुअली पहले बार जब आया था लाइन तो बहुत तक लाइन था, एक दो घंटे लाइन देकर आना पड़ता था। बट इस टाइम पैंडेमिक है इसलिए सब कुछ, प्लस हाईकोर्ट का परमिशन भी नहीं है इसलिए। जो लोग स्टॉल दिए उन लोगों से बात कर रहा था, उन लोगों का तो बहुत ही बुरा कंडीशन है, 200-300 का साल। हर एक पूजा का एक ही कंडीशन है ना। सब आकर यकीन मानिए दोस्तों, हर साल मैं यहाँ पर आता हूँ, फर्स्ट टाइम यहाँ पर इतना खाली खाली मिल रहा है। थैंक यू। तो चलिए अंदर का सीन आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो बैरिकेड दिया गया है, यहाँ को क्रॉस करके आपको अंदर जाना पड़ेगा टू एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल पूजा पंडाल। जस्ट देखिए, इस साल थीम एकदम अलग सा थीम माहौल यहाँ पर किया गया है। मैं थोड़ा थोड़ा करके अंदर जाने को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यहाँ से साइड से मैं जा रहा हूँ, लाइट का कितना खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन है, लाइट का कितना खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन है। और डिज़ाइन देखिए ऊपर का, ये नीचे देखिए कितना प्यारा सा यहाँ पर एक डिज़ाइन किया गया है, बांस से बेत से कुछ अलग सा करने की कोशिश है। थीम कौन सा है अभी यहाँ पर, जो अगर कॉमेडी के लोगों से बात होगा तो मैं पूछ लूँगा। दिस इज़ अ थीम पूजा, कोलकाता का वन ऑफ द फेमस थीम पूजा के अंदर ही आता है, बहुत ही मेडल्स प्राइज इस पूजा के अंदर मिलता है। दिस इज़ अ सीन, देख सकते हो ऑल अबाउट द ब्यूटीफुल डेकोरेशन। सो बहुत ही गुड एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पर आने के बाद, अंदर जाके आपको दिखाया, मैं खुद देखा ब्लॉग के लिए रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने परमिशन दिया। अंकल इस बार थीम कौन सा है, व्हाट इज द थीम, थीम क्या है? चलो पाल्टाई। चलो पाल्टाई, ओके। यहाँ पर है दुर्गा माँ का असल जो मंडप, ये है दमदम पार्क तरुण संघ। ओके, ये है दमदम पार्क का तरुण संघ, थोड़ा सा नाम दिखाता हूँ आपको। ये है दमदम पार्क तरुण संघ, और ये माता जी का टेम्पल है, मंदिर, सॉरी ये पूजा चल रहा है, देख सकते हो पंडित जी नीचे बैठकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो सीन आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। यस, दिस इज द ब्यूटीफुल सीन ओवर हियर। सो दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पर देखो, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पूरा एक सिस्टम किया गया है, लोग ज़्यादा अंदर भी नहीं आ रहे, डिस्टेंस से एक्सप्लोर कर रहे हैं दमदम पार्क को। दिस इज़ द एग्जैक्टली प्रॉपर रूल दैट एवरीवन मस्ट फॉलो, क्योंकि ऐसा ना हो फेस्टिवल के मूड में आप मस्ती कर रहे हो और यू नो उसके बाद यू माइट फेस अ प्रॉब्लम और एनी यू माइट बीन अ इशू। तो पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन सभी मिल के दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। यहाँ पर देख सकते हो खाने का भी चीज़ है, इवेंट हो रहा है, इवेंट। ये देखो, ये है बहुत ही बच्चा सा, ये गए लोग विजिटेड,
मम्मी पापा के साथ आया है? मम्मी पापा दादी बाबा। अच्छा अच्छा, तो कैसा लगा यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा व्यवस्था। जो हाइजीन का जो ख्याल रख रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, सब लोग दर्शन भी कर सक रहा है और बच्चा भी है, सेफ भी है। तो आप कुछ कहना चाहते हो? जो लोग आए कैसे आए, कैसे आए वो लोग? अरे हम लोग जोड़ा मंदिर से आ रहे हैं, जोड़ा मंदिर आकर के अच्छा लगा यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, और इंटरटेनमेंट भी हो रहा है, बच्चा लोग का। हाँ ये तो होना चाहिए, साल में एक बार माँ दुर्गा आता है, बट गवर्नमेंट जो माँ दुर्गा ऐसे ही। बच्चा का नाम क्या है? इसका नाम है फलक, ये तन्वी। तन्वी, हाय तन्वी, हाय तन्वी। आशीर्वाद आटा से इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। ओके, ओह सॉरी सॉरी सॉरी। सो गाइस, दिस इज ऑल द थिंग्स। हो गया है हम लोग एक्सप्लोर करना मेरा, तो दमदम पार्क को गुड बाय करके अभी हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं। बट दमदम पार्क में सिर्फ एक ही पूजा नहीं है, दूसरा भी है यहाँ पर। भैया कैसा चल रहा है, कितना दाम है इसका? हाँ? कितना दाम है? 25 रुपये। 25 रुपये बिक्री हो रहा है? हो रहा है। हर साल की तरह इतने लोग तो नहीं आ रहे अभी, बहुत खाली है। नॉर्मल टाइम में इस जगह पे पैर रखने का जगह नहीं मिलते, बट आज का सीन देखो दोस्तों, पूरा कितना खाली का लिया। करुणा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया खाने पीने के दुकान में भाई, नॉर्मल टाइम में। काकू बिक्री हो खूब, एकटा एकदम हो ना लॉस तो एकदम पूरा এবার কি হলো, গত বছর এরকম দিনে আমার সেল ছিল মিনিমাম 22,000 টাকা পার ডে। আর আমি এই বছরে গতকালকে বিক্রি করেছি 490 টাকা, শেট। আর পরশু দিন বিক্রি করেছি 180 টাকা, আর আজকে এখনো পর্যন্ত 200 টাকা বিক্রি হয়েছে, শেট শেট শেট। সো দেখ সকতে হো জো যে ছোটে ভেঞ্চার্স লোক জো লাগাতে হ্যায় ইয়াহা কা জো মেশিন মেশিন সব কুছ বন্ধ হ্যায় তো ক্যা ক্যা বোলা, এক এক দিন মে 22,000 কা সেল হোতা হ্যায় বাট ইস বার এক এক দিন মে 400 200, আজ 200 কা ভি সেল নেই হুয়া হ্যায়। ভাইয়া সেল হো রহা হ্যায়? কুছ সেল নেই হো রহা না, তো স্টল কা ভাড়া দিও মুশকিল হো রহা হ্যায়। बहुत मुश्किल है भाई। नाम क्या है भैया का? सपन नस्कर। सॉरी, सपन नस्कर। सपन काकू बिक्री बिट्टी खो हो ना? एकदम बैठे के नहीं बिक्री का चेने ना অন্য টাইমে তো ভিড়ে ভিড়ে এসে যায় এগুলো। ওরে বাবা, আগের বারে মাল, হ্যাঁ আমি তো পড়ে গেছিলাম এখানে একদম পুরো ধাক্কায়, একদম বেচা কেনা নেই বললে চলে। সকাল 10টার থেকে এখানে 200-250 টাকা পার করতে। মাই গুডনেস ভাই, দেখো ভাই 200-250 কা ভি সেল নেই হুয়া হ্যায় সুবহ সে, সো ক্যা সিচুয়েশন হ্যায়। ये पहली फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ ऐसा सिचुएशन, कोरोना का डर में लोग तो ऐसे ही। तो एक्चुअली पंडल हॉपिंग गवर्नमेंट ने स्टॉप कर दिया, मीन्स हाईकोर्ट ने स्टॉप कर दिया है, लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे, लोग आकर भी क्या करेगा, दूर से देख कर जाना पड़ रहा है। और सेकेंडली यहाँ पर कोई सेल ही नहीं हो रहा है, जस्ट फ्रस्ट्रेटिंग। सो गाइज, ये था एक छोटा सा व्लॉग दमदम पार्क करुण संघों से। व्लॉग को यहाँ पर छोटा सा ख़त्म करता हूँ, दूसरा व्लॉग भी देखो और दूसरा पूजा पंडाल का भी वीडियो आने वाला है। सी यू इन द नेक्स्ट। एक्साइटिंग बोल नहीं सकता हूँ, बहुत ही पेनफुल व्लॉग है, ये बहुत ही पेनफुल व्लॉग है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।